हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको बनी हुई सलवार से सलवार का नाप लेकर सलवार की कटिंग करना सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को लॉक कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। इसी तरह सिलाई से रिलेटेड वीडियो दोस्तों हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। जैसे कि दोस्तों ये हमारा सलवार का कपड़ा है, सबसे पहले दोस्तों हम आपको सलवार का कपड़ा नाप कर दिखाएंगे कि कितने मीटर में हम आपको सलवार की कटिंग करना सिखा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, किनारे की तरफ से दोस्तों आपको डबल में कपड़ा फोल्ड करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको अच्छे से बिछा लेना है डबल में। ठीक है, ये हमने डबल में बिछा रखा है। अब आपको इंची टेप लेना है। इंची टेप की मदद से दोस्तों आपको जिधर हमारा सेंटीमीटर होता है उस तरफ दोस्तों आपको इंची टेप इस तरीके से रखना है। ठीक है, अब इस तरीके से दोस्तों हमारा जो कपड़ा है वो दोस्तों हमारा है 1/14। ठीक है, यानी कि डबल में दोस्तों तो हमारा हो गया 2/28। तो दोस्तों ये हमारा 2 मीटर 28 सेंटीमीटर कपड़ा है, यानी कि 2.25 मीटर मान के चलिए कि हमारा ये कपड़ा है सलवार का। तो दोस्तों 2.25 मीटर में आपको सलवार की कटिंग करना सिखाएंगे। अब इस तरीके से क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारी किनारे की तरफ फोल्ड है। अब दोस्तों दूसरी तरफ भी दोस्तों हम किनारी इस तरीके से आपस में मिला लेंगे। ठीक है, एक तरफ से दूसरी तरफ भी इस तरीके से चब्बर में दोस्तों आपको किनारी इस तरीके से मिला लेनी है। ठीक है, अच्छे से फिनिशिंग से आपको कपड़ा सेट करना है सलवार का। जो भी चुन्नट वगैरह हो कपड़े में दोस्तों प्रेस लगाकर हटा दें। हमने भी दोस्तों प्रेस लगाकर एकदम फिनिशिंग से इसे कर दिया है। अब इस तरीके से आपको दोस्तों बिछा लेना है 4 तह में। जैसे 2 हमारी एक ऊपर की है, 2 नीचे की, तो 4 तह होगी दोस्तों हमारी। इस तरीके से आपको बिछाना है। उसके बाद दोस्तों आपको जिस नाप से सलवार की कटिंग करनी है वो सलवार लेंगे, जैसे हमने ले ली है। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, इस तरीके से आपको क्रिच बनानी है। ठीक है, जहाँ हमारी सेंटर की क्रिच बनती है सलवार में, नीचे इस तरीके से आपको मोहरी को मिलाना आपस में, यहाँ पर हमारी क्रिच बन जाएगी। इस तरीके से दोस्तों आपको बेल्ट की तरफ से भी इस तरीके से खींच के देखना है और आपको क्रिच बनानी है। ठीक है, इस तरीके से हम बिछा लेंगे। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले हम सलवार की लंबाई नापेंगे। इस तरीके से मोहरी की तरफ से आप रख सकते हैं या फिर कमर की तरफ से भी इंची टेप रख सकते हैं। इस तरीके से जो दोस्तों हमारी लंबाई है वो हमारी 39 इंच। ठीक है, लंबाई हमारी 39 इंच है, हम इस तरीके से कपड़े पे ही लिख देते हैं। लंबाई दोस्तों हमारी इसकी है 39 इंच। इस तरीके से हमने लंबाई नाप दी। उसके बाद दोस्तों हम नापेंगे इसकी मोहरी। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से आपको डबल में बराबर से ही बिछा रखना है मोहरी। और दोस्तों जो इसकी हमारी मोहरी है वो है 7 इंच। इस तरीके से हमने मोहरी 7 इंच नाप ली। अब उसके बाद दोस्तों हम नापेंगे कमर, यानी कि कमर का मतलब दोस्तों बेल्ट। जितनी आपकी बेल्ट है उसको इस तरीके से आपको नापना है बराबर में रखते हुए। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से हम इंच टेप से नापेंगे कमर। तो दोस्तों हमारी कमर है इसकी, बेल्ट है जो दोस्तों वो हमारी 23 इंच है। इस तरीके से हमने 23 इंच लिख दी। उसके बाद दोस्तों आपको नापना है आसन। आसन दोस्तों किस तरीके से नापेंगे, अच्छे से कमर यानी कि बेल्ट आपको दोनों आपस में इस तरीके से मिलाना है। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से बेल्ट को अच्छे से फिनिशिंग से आपको इस तरीके से आपस में मिला लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको आसन नापना है। ठीक है, इस तरीके से बेल्ट आपस में मिलाते हुए आपको आसन नापना है। नीचे की तरफ दोस्तों आसन की तरफ से इंची टेप रखेंगे। तो दोस्तों आसन जो है हमारा इसका है 15 इंच। इस तरीके से दोस्तों हमने आसन इसका लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको नाप लिख लेना है। लंबाई हमारी 39 इंच है, मोहरी 7 इंच है, कमर दोस्तों यानी कि बेल्ट हमारी 23 इंच है, आसन दोस्तों इसका 15 इंच है। इस तरीके से दोस्तों नॉर्मली आपको नाप लेना है सलवार का। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, आपको एक स्केल लेना है। स्केल की मदद से दोस्तों जो ऊपर हमारा आड़ा टेढ़ा कपड़ा है हल्का फुल्का, उसे एक एक सीधा निशान लगाना है फिनिशिंग से। इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है, ये कपड़ा कटिंग करके हम हटा देंगे। अब नॉर्मली क्या करेंगे दोस्तों, आपको इंची टेप लेना है। इंची टेप से दोस्तों आपको क्या करना है, जहाँ हमने निशान लगाया है ना ऊपर, वहाँ पर दोस्तों आपको रखना है 5 इंच पे। ठीक है, इस तरीके से 5 इंच आपको इंची टेप ऊपर हटा के रखना है, यानी कि 5 इंच आपको रखना है निशान पे ही। अब उसके बाद दोस्तों आपको लंबाई का निशान लगाना है। इस तरीके से आपको इंची टेप निशान पे रखना है 5 इंच ऊपर निकाल के। ठीक है, इस तरीके से आपको निकाल के रखना है। और लंबाई हमारी 39 इंच है, तो 39 इंच पर नॉर्मली दोस्तों आपको निशान लगाना है। इस तरीके से दोस्तों हम 39 इंच पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, आपको स्केल लेना है। स्केल की मदद से दोस्तों यहाँ पर एक सीधा निशान लगाना है। ठीक है, सीधा निशान लगाने के बाद सबसे पहले आपको सीधा निशान लगाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से 5.5 इंच का एक निशान लगाना है। ठीक है, 5.5 इंच का एक निशान लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों जितनी आपकी मोहरी है, जैसे 7 इंच है, तो 7.5 इंच पर इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। 7.5 इंच पर निशान लगाने के बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा आपको निशान लगाना है। ठीक है, इस तरीके से आपको निशान लगाना है। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आसन की तरफ जहाँ हमारा ओपन साइड है, जैसे मैंने अपनी तरफ बंद साइड बिछा रखा है और आपकी तरफ ओपन साइड, तो दोस्तों आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ हम आसन की तरफ यानी कि यहाँ पर हमारा आसन कटिंग होगा। तो दोस्तों क्या करना है आपको, जहाँ पर हमारा निशान लगा हुआ है ना, उस जगह पर दोस्तों आपको क्या करना है, 18 से 17 इंच पर इस तरीके से आपको निशान लगाना है। 18 भी लगा सकते हैं या 17 इंच पर लगा सकते हैं। इस तरीके से मैं दोस्तों 17 इंच पर निशान लगा लूँगा, एक निशान से ही इंची टेप रखते हुए। ठीक है, इस तरीके से हमारा आसन की तरफ यहाँ पर दोस्तों हमारी एक एक्स्ट्रा कली कटिंग होगी।
अब जहाँ पर दोस्तों हमने 1.5 इंच आगे बढ़ाकर निशान लगाया था, वहीं से दोस्तों इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है फिनिशिंग से, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हम निशान लगा लेंगे। इस जैसे कि दोस्तों हमारा निशान हल्का दिख रहा होगा आपको, लेकिन हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से भी हम इसे निशान को सीधा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हमारा कपड़ा बचा है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम बेल्ट कटिंग करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर अब स्केल से भी हम निशान सीधा कर सकते हैं। इंची टेप की जरूरत भी पड़ सकती है, इंची टेप से भी आप निशान लगा सकते हैं, स्केल से भी निशान लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे नीचे मोहरी की तरफ कपड़ा एक्स्ट्रा बचा हुआ है, कपड़ा नीचे की तरफ हमारा बराबर है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले चौड़ाई रखेंगे बेल्ट की, वो रखेंगे 9 इंच की, ठीक है। इस तरीके से आपको बेल्ट की चौड़ाई रखनी है 9 इंच की। यहाँ पर दोस्तों इंची टेप आगे बढ़ाकर आपको निशान लगाना है 9 इंच पे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बेल्ट की लंबाई का निशान लगाएंगे, जैसे कि दोस्तों हमारी बेल्ट थी 23 इंच, तो 1 इंच प्लस करेंगे 24 इंच पे हमारा निशान लगेगा, यानी कि 12 इंच पे निशान लगेगा, ठीक है। इस तरीके से जैसे 23 इंच की हमारी बेल्ट थी, ठीक है, 1 इंच हम इसमें प्लस करेंगे तो 24 इंच की हमारी बेल्ट तैयार हो जाएगी, और 24 इंच का हाफ हो जाएगा दोस्तों 12 इंच, एक निशान इस तरीके से लगा देंगे और 12 इंच इस तरीके से यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। फिनिशिंग से इस तरीके से आपको निशान लगाना है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये निशान हम इस तरीके से सीधा कर देंगे, और यहाँ से दोस्तों आपको निशान सीधा कर देना है, यहाँ से भी दोस्तों आपको निशान सीधा कर देना है, ठीक है। फिनिशिंग से ये दोस्तों हमारे निशान लग गए, ये दोस्तों हमारी बेल्ट कटिंग होगी इस जगह से, ठीक है, 2.25 मीटर में। दोस्तों नॉर्मली इसी तरीके से बेल्ट हमारी कटिंग हो जाएगी, सलवार हमारी इसी में ही कटिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर आपका 2.25 मीटर कपड़ा है तो इसी तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से सबसे पहले दोस्तों हम आपको बेल्ट कटिंग कर देनी है आपको, ठीक है। ये दोस्तों हमारी फिनिशिंग से ही बेल्ट कटिंग हो जाएगी अच्छे से निशान लगाने के बाद। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा बंद साइट है, तो ये हम बाद में कटिंग कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों हमारी बेल्ट कटिंग हो जाएगी। हम यहाँ से दोस्तों आपको सलवार कटिंग करनी है, ठीक है। नॉर्मली यहाँ से सीधा कटिंग करेंगे, उसके बाद दोस्तों जहाँ हमारा आसन कटिंग है उस तरीके से जो निशान लगाया हमने वो इस तरीके से आपको कटिंग कर देना है। अब ऊपर की तरफ दोस्तों जो हमने आड़े टेढ़े का निशान लगाया था, वहाँ से इस तरीके से आपको कटिंग कर देना है फिनिशिंग से, ठीक है। इस तरीके से आपको सीधा कटिंग कर देना है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को लॉक कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। इस तरीके से दोस्तों हमने ऊपर से भी कटिंग कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों ऊपर जो हमने 5.5 इंच का नीचे मोहरी की तरफ निशान लगाया था, वही दोस्तों आपको ऊपर 5.5 इंच का मोहरी तरफ निशान लगाना है। जो हमने मोहरी पर निशान लगाया था 5.5 इंच पे, वही आपको ऊपर बेल्ट की तरफ लगाना है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक कुटका लगा देना है। अब नीचे भी दोस्तों आपको कुटका लगा देना है, जहाँ हमने 5.5 इंच का निशान लगाया था, इस जगह से दोस्तों हमने कुटका लगा दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, नॉर्मली सलवार अपनी तरफ खींच लेंगे। जैसे हमने जो लंबाई इसकी कटिंग करी वो दोस्तों 5 इंच हमने ऊपर इस तरीके से रखा है, ठीक है, इंची टेप, और नीचे हमने जितनी आपकी लंबाई थी उतना ही हमने इस तरीके से निशान लगा दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी लंबाई की कटिंग होती है सलवार की, ठीक है। इसी तरीके से ही आपको लंबाई कटिंग करनी है। सलवार इस तरीके से हम पीछे हटा सकते हैं, और दोस्तों जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा ये बचा हुआ है, इसकी दोस्तों हमारे आसन की तरफ हमारी कली कटिंग होगी, ठीक है। इस तरीके से हमारी कली कटिंग होगी। नॉर्मली हम ऊपर की तरफ रख सकते हैं, अगर दोस्तों आपका जगह कम हो तो इस तरीके से पीछे की तरफ हटा के आप कटिंग कर सकते हैं कली, ठीक है। हमारा काउंटर भरपूर है, फिनिशिंग से कटिंग हो जाएगी। इस तरीके से क्या करेंगे दोस्तों, हम कली कटिंग करेंगे यहाँ पर ऊपर से। दोस्तों आपको अच्छे से फिनिशिंग से बैठाना है, ठीक है। अब दोस्तों आसन हमारा है 15 इंच, ठीक है। तो आसन क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर से आपको इंची टेप इस तरीके से निकालना है। यहाँ से दोस्तों आपको 6 इंच इंची टेप बाहर की तरफ निकाल देना है, ऊपर की तरफ निकाल देना है 6 इंच, और आसन दोस्तों आपको जितना हो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। जैसे हमारा 15 इंच आसन है इसका, तो 16 इंच पे हम कटिंग करेंगे, क्योंकि दोस्तों 1 इंच हम प्लस कर देंगे, ऊपर भी हमारा 1/2 इंच का दबाव जाएगा और नीचे भी दोस्तों हमारा 1/2 इंच का दबाव जाएगा। तो इसलिए दोस्तों जितना आपका आसन हो उसमें 1 इंच प्लस करके ही हम कटिंग करते हैं। इस तरीके से यहाँ से सेप दे देंगे आसन के निशान तक, जहाँ हमने निशान लगाया था आसन पे ही, उस जगह तक सेप दे के इसको कटिंग कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम फिनिशिंग से कटिंग कर देंगे। यहाँ से भी दोस्तों हम बंद हिस्सा है हमारा, यहाँ से भी इस तरीके से दोनों पल्ले कटिंग कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हमारी ये एक्स्ट्रा कली कटिंग हो जाएगी। अगर दोस्तों आप इसमें म्यानी लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप म्यानी का निशान लगा सकते हैं, जिससे कि हमें याद रहेगा, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हमारी ये कली कटिंग हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमारी बेल्ट है, यानी कि ये बेल्ट है हमारी, तो दोस्तों एक तरफ हमारी बंद थी बेल्ट, ठीक है, तो उसको भी इस तरीके से आपको कटिंग करके हटा देना है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों हमारी बेल्ट कटिंग हो जाएगी इस तरीके से, जहाँ हमारी बंद साइड थी उस तरीके से हमने इस जगह से हमने कटिंग कर दी है बेल्ट। तो दोस्तों ये हमारी बेल्ट कटिंग हो गई, ठीक है, फिनिशिंग से। ये हमारी कली कटिंग हो गई है एक्स्ट्रा आसन की तरफ की। अब यहाँ पर दोस्तों आपको मोहरी की तरफ क्या करना है, जितनी आपकी मोहरी है वो आपको लिख लेनी है, ठीक है। जैसे हमारी 7 इंच है, या फिर दोस्तों जितने आप चौड़े पौचे बनाना चाहते हैं उस तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे कितने चौड़े सलवार में पैंचे बनेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम 2 इंच के बनाएंगे, तो 2 इंच हमने लिख दिया है, जिससे कि दोस्तों स्टिचिंग करते टाइम हमें याद रहेगा। इस तरीके से दोस्तों ये हमारा सलवार कटिंग हो गई है, ठीक है, फिनिशिंग से। ये दोस्तों हमारा बेल्ट है, ये खर्चा वगैरह बनाए, ये दोस्तों हमारा नाड़ा वगैरह बनाने में काम आएगी, नीचे पोंछा लगाने में भी काम आएगा खर्चा, ठीक है। इस तरीके से अगर आपकी 2.25 मीटर कपड़ा है तो इस तरीके से आप कटिंग करके सलवार बना सकते हैं। अगर आपको स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सीख सकते हैं। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।